बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इससे पहले सरकार गठन की कवायद को लेकर दिल्ली से राजधानी पटना तक बैठकों का दौर जारी है। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को एनडीए की बैठक होनी है और इसमें सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही बैठक में आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान भी सीएम के तौर पर हो सकता है। तो वहीं इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं को अच्छी भागीदारी भी मिल सकती है। तो वहीं बता दें आपको कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी बिहार में कामेश्वर चौपाल को अगला डिप्टी सीएम बना सकती है और इस बात के संकेत बिहार बीजेपी में मिलने शुरू हो गए हैं। इन कयासों के बीच कामेश्वर चौपाल का बयान डिप्टी सीएम पद को लेकर सामने आया है। कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मुझे स्वीकार है। आपको बता दें कि कामेश्वर चौपाल को बिहार के अगले डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर बीजेपी सामने ला सकती है। वहीं आपको बता दें कि आज एनडीए की बैठक भी होनी है, तो साथ ही साथ सुनिए जब कामेश्वर चौपाल से पूछा गया कि क्या वो बिहार के अगले डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो इस पर सुनिए क्या कुछ कहा कामेश्वर चौपाल ने। देखिए, मैं तो संगठन का सिपाही हूँ, जो निर्णय लेगी पार्टी, जो भी कार्य सौंपेगी वो करेंगे, मुस्तैदी से करेंगे। आप तैयार हैं? अगर महत्वपूर्ण पद आपको मिलता है तो आप इसके लिए तैयार हैं? भैया, मैं तो कहा कि कार्यकर्ता हूँ, पद तो छोड़ दीजिए, जो भी काम मिलेगा सब करेंगे।